सिवान में नौकरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने अपने मालिक के खाने में नशा मिला दिया और बड़े आराम से आभूषण की लूट की घटना को अंजाम दिया है। स्वर्ण व्यवसाय के पूरे परिवार को नशे की गोली खिलाकर आभूषण की लूट की गई है। स्वर्ण व्यवसाय के पूरे परिवार को नशे की गोली खिलाकर आभूषण की लूट हुई है। पीड़ित परिवार ने नेपाल से आए दो नौकर पर खाने में नशे की गोली मिलाकर आभूषण लूटने का आरोप लगाया है। घटना नगर थाना के शांति वट वृक्ष के पास की है। पीड़ित कनक ज्वेलर्स के मालिक प्रशांत पुष्कर ने बताया कि दुकान के पीछे उनका घर है। बीते 1.5 माह पहले दो नौकर कृष्ण और सूरज नेपाल से काम करने आए थे। रात को खाना बनाने वाली महिला ज्योति से दोनों ने कहा कि आप आज घर का खाना ना बनाना, हम आज लोग खाना बनाएंगे। घर का खाना बनाने वाली महिला ज्योति घर चली गई। ज्योति ने बताया कि जब सुबह खाना बनाने के लिए घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है, घर के सारे सदस्य बेहोश पड़े हैं। प्रशांत पुष्कर तथा मृत्युंजय कुमार उर्फ बच्चा बाबू और मन के साथ झारखंड का एक नौकर अगस्ती बेहोशी की हालत में पड़ा था। घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर में आभूषण आदि की लूट कर ली गई है, जिसके बाद ज्योति ने आसानी और पास के लोगों से सारी बात बताई। पुलिस को सूचना दी गई। प्रशांत पुष्कर ने बताया कि हम लोग खाना खाकर सो गए थे, उसके बाद कुछ जानकारी नहीं। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल नशे की हालत में सभी सदस्यों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। प्रशांत पुष्कर ने बताया कि नेपाल का रहने वाला अभिषेक नौकर पहले घर का काम करता था। दिसंबर में अभिषेक ने बताया कि वो विदेश जाना है और उसका वीजा आ गया है। उसके बाद प्रशांत पुष्कर ने नई दिल्ली में लेबर सप्लायर एजेंसी एमके मेट कंपनी से संपर्क किया। उसके बाद कंपनी ने नेपाल से दो युवक सूरज कुमार और कृष्ण पंडित को यहां काम करने के लिए भेजा, जो घर का हर काम करते थे। जानकारी के अनुसार लाखों रुपए का दुकान का आभूषण लूटकर फरार हो गए। कितने मूल्य के आभूषण की लूट हुई है अभी अस्पष्ट नहीं हो पाया। नहीं रख के नहीं जाइएगा, हम जा रहे हैं अंकल जी से बोल के आ रहे हैं। तो शायद अंकल जी से भी वो बोल ही के आया कि अंकल जी आज मैं खाना आप लोगों को खिलाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर दादी जी भी बोली ना कि रहने दो ज्योति, खाना जो ऊपर मत रखना, आज हम सबको साथ में खिलाना, खाना खाएंगे। सूरज नाम का एक का किसान नाम था। कब से रहता है लोग यहाँ पे? करीब यही एक डेढ़ महीने से, अभी ज्यादा दिन नहीं। किशन को आए 2 महीने हुए थे और सूरज को आए 1 महीने हुए थे। ये लोग भी खाना बना देते हैं? नहीं, ये लोग खाना नहीं बनाते थे। लोग कि किशन ऊपर का काम झाड़ू पोछा बर्तन करता था और सूरज नीचे झाड़ू पोछा बर्तन करता था और कभी कभी अंकल जी के लिए नाश्ता वास्ता बना देता था। कहाँ कहीं रहने वाला? नेपाल। दोनों नेपाल का? हाँ, दोनों नेपाल। यहाँ पे कहाँ रहता था लोग? यहाँ पे यही रहता था लोग, यही पे रहता था। तो क्या पता चला सुबह जब आप आए? तो सुबह हम जब आए ना तो हमको पता चला कि सब अंकल जी का जो दादी जी का रूम है, इनके रूम में से सारा चोरी किया है। जो बंधन का भी सामान था ना, वो भी चुरा के लेके चला गया है। और दादा दादी को चाहे सबको ही सब लोग बेहोशी की हालत में, सबको बेहोशी की हालत में था, सबको नशा। अच्छा, नशा? हाँ, नशे का दवा सबको खिलाती गया। कल बोला है कि हम खाना खिलाएंगे? हाँ, कल वो बोला था कि हम खाना सबको खिलाएंगे, अब खाना रख के मत जाइएगा। कौन थे? सूरज और किशन? हाँ, सूरज और किशन। बड़ा कौन थे? बड़ा किशन था और छोटा सूरज था। प्रतिदिन आप खाना खिलाते थे? हाँ, हम तो 3 साल से यहाँ पे खाना बनाते हैं और खाना में अंकल आंटी को खिला के ही जाते थे। उन लोग आए हुए 1.5-2 महीना हुआ था। हाँ, अभी ज्यादा दिन 1.5-2 महीने से लोग खाना बनाती है। हाँ, हम खाना बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। नाम बताइए। हाँ, नाम ज्योति है मेरा।